अस्सलाम वालेकुम गाइस, काल तो आप देख रहे होंगे ऐसे व्लॉग्स। किसी ने मैंने आपसे रात को पूछा भाई। अभी जो है यहाँ पे कोई PSO का पंप था, तो यहाँ पे जो है ये वॉशरूम और भी था, तो हमने कहा कि वॉशरूम चले जाते। और अभी जो है हमें कहीं जाके जो है नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आज है जुम्मा, इसके वजह से शायद गुन मलीर पर हम रुके नमाज पढ़ने, क्योंकि वहाँ पर एक ढाबा भी है, तो खाना वाना भी वहीं खाएंगे। भाई अभी जो है हम कुंड मलीर पहुंच गए हैं, और ये देखें भाई पहाड़ों पे जो है घर बने हुए, और हवा बहुत चल रही है यहाँ पे, क्योंकि मैं जो समंदर के पास आया हुआ हूँ। हमें समंदर बीच पे जाना है, हमें ये भी एक बीच है, मगर इस बीच पे हमें नहीं जाना है। हम जिस बीच पे जाएंगे वो है उरमारा में, और यहाँ पे बहुत मट्टी उड़ रही है यार, आग में सब जा रही है। ये वाले बीच पे हमें नहीं जाना है, ये कुंड मलीर है, हमें उरमारा के बीच पे जाना है। और हम जो है बीच पे आज नहीं जाएंगे, हम जो है गली जाएंगे, क्योंकि आज जो है टाइम इतना नहीं है। बस अभी जो है 2:30 बज रहे, और अभी यहाँ एक होटल था, यहाँ हम खाना खाने बैठ रहे हैं, मगर यहाँ पर जो है थोड़ी जगह सही नहीं है, इसकी वजह से यहाँ खाना नहीं खाएंगे हम। हम लोग जो है घर से सैंडविचेस और लेके आए थे, तो हम वही खा लेंगे भाई।
पहुंच गए हम ओरमारा, और ये कोई जो है रिजॉर्ट है, हम इसमें आ गए। अभी गाड़ी वहाँ पार्क कर दी हमने, अभी रिजॉर्ट में हम एंटर होंगे। पूरा रूम भी दिखाएंगे भाई हम आपको। यहाँ से भाई एंट्रेंस है, यहाँ से ये कुछ ऐसा है, यहाँ से यूं जाने का है, यूं जाने का है। और हमने जो है हमारा जो एक ये वाला रूम है हमारा, बस एंट्रेंस के साथ यूं ही हमारा रूम है। और बाकी एक और रूम हमने लिया है, वो वाला है, वो जो बिल्कुल सामने जो दिख रहा है वो वाला एक रूम है। उस वाले रूम का आपको टूर नहीं करा सकता, इस वाले रूम का करा देता हूँ। ये मेरा खुद का रूम है। ये एक मिरर है, ये कबर्ड है ऊपर भी है, और ये वॉशरूम है। वॉशरूम अभी खुला हुआ नहीं है, अभी जब खुलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम। भाई ये जो है इनका कैंटीन एरिया है, खाने पीने का, बैठने का। और भाई ये जो है कुछ बाहर से ऐसा दिखता है, और ये जो है यहाँ पे गार्डन वार्डन बना हुआ है सही है। और ये जो है ओरमारा के पहाड़, और उधर की साइड पे जो है, उधर की साइड पे एक वो है पूरा बीच बना हुआ है, तो हम बीच पे भी जाएंगे और बोटिंग वोटिंग करेंगे हम। भाई अभी मैंने तो चप्पल निकाल ली, और मेरी खाला आई है तो खाला की भी चप्पल निकाल लें। और अभी रूम में जो है चाबी पड़ी है गाड़ी की, तो गाड़ी की चाबी लेते हैं और चलते हैं चप्पल निकालने के लिए। भाई गाड़ी की चाबी ले ली है, और अभी लॉक करते हैं। लॉक हो गया, अब जो आपसे डायरेक्ट गाड़ी में मिलते हैं। ये चेक करें भाई, ये दोनों गाड़ियां हमारी है, प्रियस और वो वाली सिविक, तो हमारी खुद की है। और व्यू चेक करें बस आप। अरे भाई आगे कहाँ आ गया मैं, चप्पल तो पीछे पड़े हुए। भाई चप्पल निकाल लिए, भाई गाड़ी से जो है, भाई अभी जो है हम यहाँ आ गए हैं बीच की तरफ पर। अब अभी हम आ गए हैं, ये सारा पानी है, सारा का सारा वो पानी पानी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, नेवी और का, तो यहाँ नहा नहीं सकते हम, मगर बोट है। अब शायद बोट में हम कल जाए। भाई अभी जो है हम करीब आ गए हैं पानी के, मगर ये जो है बोल रहे हैं कि पानी के अंदर थोड़ा नहीं जा सकते, बस पैर रख सकते हैं, क्योंकि नेवी की जगह ये लोग मना कर रहे हैं सब, इसकी वजह से। अभी थोड़ा सा आगे चलता हूँ मैं। भाई हम जो है बीच से जो है आ गए थे अपना होटल में, और अब जो है हम जो है जिम में आए हैं। टेबल टेनिस भी बाहर था, वो खेला, मगर वो आते ही नहीं है खेलने। अभी जो है जिम आ गए, जिम थोड़ा भाई कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा ट्राई करता हूँ, कुछ करता हूँ। और इसके बाद जो है फिर हम जो है खाना वाना खाएंगे नीचे। सही है, हमारा जो है बारबेक्यू का प्लान है, मगर बारबेक्यू करने से अलाउड नहीं कर रहे ये लोग, बारबेक्यू करना मना कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, कल होगा बारबेक्यू या कब होगा, देखते हैं।
फिलहाल हम जो है अभी जिम में आए हैं, अभी थोड़ा सा ऐसे ही देखने वेखने के लिए आए हैं क्योंकि कुछ आता तो है नहीं हमें। फिर जो है उसके बाद खाना खाने जाएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे भाई। ये देखे भाई, फुल चड्डा शर्ट पहन लिया है क्योंकि रात हो गई है, और जो पैंट थी वो ख़राब हो गई है, मतलब मिट्टी वाली थोड़ी हो गई है, तो वो मैंने कहा छोड़ दो, चड्डा पहन लेता हूँ भाई। खाना ना खा लिया है और अभी गार्डन में हम बैठने आए हैं। उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।